जो जुनाइल्स आते हैं कमिटी में रिहेबिलिटेशन के लिए, केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो जरूरी नहीं है कि सबको कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो। कुछ तो ऐसे भी होते होंगे कि अलग अलग वजह से आए हो विदाउट एनी, मतलब कि कुछ लोग तो क्राइम नहीं भी किया हो फिर भी आया हो ऐसा, मतलब आपके एक्सपीरियंस में जानना चाह रहा हूँ कि किस किस टाइप के नहीं आदमी बिल्कुल से जुड़े हैं। बिल्कुल आपका बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। जरूर नहीं कि हर बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है। बच्चे नॉर्मल वो भी आते हैं, क्योंकि और जिसने क्राइम ना किया वो भी आते आजकल होंगे। आजकल माहौल सोशल मीडिया की वजह से बच्चे बहुत ही जागरूक हो गए हैं, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जो 15-16 साल के बच्चे हैं, लड़के लड़की, वो सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है, फिर उनका अफेक्शन हो जाता है, वो घर से इलोपमेंट करके आ जाते हैं, यहाँ पकड़े जाते हैं रेडियो स्टेशन पे या और किसी जगह पे, फिर हमारे पास पेश होते हैं कमेटी में। वो तो जी उनको फिर प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की जाती है कि भाई अभी आपकी एज पढ़ने की है, इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की नहीं है, जी तो उनके पेरेंट्स को बुला के उनको वापस कर दिया जाता है। दूसरे बच्चे ऐसे भी हैं जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, घर की कंडीशन ठीक नहीं है, घर में मेंबर बहुत ज्यादा हैं, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो वो या तो उनके घर वाले उनको भेज देते हैं काम करने के लिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में काम करने की ज्यादा संभावना है, या बच्चे खुद ही, क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो अपने काम करने के लिए आ जाते हैं। तो ये ऐसे बच्चे भी आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारे घर में बच्चे हैं, माँ बाप देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं भी रिलेशन में बस अड्डे पे अबेंडेंट करके चले जाते हैं। तो जी इस तरह से बहुत सारे बच्चे कमेटी में आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनको मेंटल हेल्थ सबको नहीं होती, आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो असेस कर ले जाता है जिसमें है, अगर पेरेंट्स कहते हैं भाई हम इसका इलाज कराएंगे तो हम उनके रेस्टोर कर देते हैं बच्चे को, नहीं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाता है और उसको अपने पास रखा जाता है। एडिक्शन में जो बच्चे होते हैं उनका हम पूरा ट्रीटमेंट करा के ही भेजते हैं, उनका 3 महीने का कोर्स है एडिक्शन का, उसके बाद 1 महीने का फिर उनका फॉलोअप होता है, उसके बाद ही उनको भेजा जाता जी है। तो जो बच्चे हमारे पास इस तरह के आ जाते हैं, हम हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसका पूरा रिहैबिलिटेशन करा के ही पेरेंट्स के हवाले। जी